तो स्टार्ट करें। क्या क्या हम लोग इसमें देख लिए थे? कम से कम उस पर ऐप पर, उस पे यूट्यूब पे जाके जब क्लास हो जाती है उस पर आ जाता है ना, तब देख लिया करो। घूमते टहलते रात में इधर उधर जब रहते हो तब। अरे खाना खाने के बाद, खाना खाते समय देखो, कभी भी देखो, आजकल यही तो सुविधा हो गई है, उठाना मान लो देख नहीं छूट गया तो खाना खाते समय देख लो, ठीक है? तो इसलिए पता तो चल जाएगा कि क्या बताया गया है। वैसे क्लास जानते हो मैं ज़्यादा, यहाँ तक हो गया था ना। अतिरिक्त तो रोजगार का सृजन कैसे हो, ठीक है? जैसे हमने क्या था कल, क्या पढ़े थे? सारे सेक्टर वाइज हमने क्या है, कैसे कैसे उसमें वो हो सकते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट हैं तीनों सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर पर ज़्यादा अगर फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं द्वितीयक सेक्टर और तृतीय सेक्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रो करेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने देखा है, यहाँ पर देखता है उपर्युक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी है कि नहीं है। वो कहाँ गया भाई, कलर उलर वाला? आता था ना, ठीक। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? अल्प बेरोजगारी। क्यों? एग्रीकल्चर में अल्प बेरोजगारी कह सकते हो या अल्प रोजगार भी कह सकते हो, बेरोजगार कह सकते हो, दोनों अंडर में है। काहे कैसे? क्योंकि लगता है सामने से लोग, बहुत सारे लोग इंगेज हैं रोजगार के रूप में, मगर ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, ठीक। जो गंभीर स्थिति है, जैसे घर में आपके है, हमारे है, क्या है कि हमारे पास वही हमने एग्जाम्पल बताया हुआ है कि खेत है तो उसपे क्या है, अगर खाने भर का सबके हो जा रहा है तो क्या हो रहा है कहीं ना कहीं। जैसे एग्रीकल्चर में अगर जो भी लैंड हमारे पास है, अगर उसमें 2% की जरूरत है और 5 लोग लगे हुए हैं तो उसका एडिशनल आउटपुट तो आ नहीं रहा है, ठीक। बेटर क्या है कि कुछ नई चीजें की जाए, अतिरिक्त रोजगार कैसे सृजन किया जाए कि उसमें जो जितने लोग की जरूरत है एग्रीकल्चर करने की वो देखे और अदर काम के लिए पर्सन क्या करे, जो भी अदर हैं वो दूसरी चीज़ों की एक्टिविटी में, दूसरी आर्थिक क्रियाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है, लोगों के लिए रोजगार कैसे जा सके, हम कुछ तरीकों से देखते हैं। रोल कैसे होगा? ठीक। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर क्या है प्रॉब्लम? हटना चाहिए ना, लेने की बात नहीं, वो तुरंत कर स्क्रॉल तो नहीं होगा, ये देखो तो हो, ये हिट ही नहीं रहा है। चलो भाई ऐसे ही चलता है, क्या करना है।
चलो ठीक है, देखते हैं जैसा होगा। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित, ये तो हम कर लिए थे भाई, अरे ये तो बता दिए थे कि 2 हेक्टेयर उस, चलो ठीक है, मतलब लक्ष्मी है उसके पास 2 हेक्टेयर भूमि ही है, ठीक है, वो भी क्या है असिंचित, असिंचित मतलब समझते हो, सिंचित असिंचित, सिंचित मतलब जहां पर सिंचाई की इरिगेशन की सुविधा अवेलेबल होती है वो सिंचित एरिया कहलाता है, असिंचित क्षेत्र वो कहलाता है जहां पर सिंचाई के संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ये सब क्या होते हैं, ये सब यही सब वर्ड आ जाते हैं, सिंचित असिंचित, ठीक है। भूखंड का उदाहरण लेते हुए उसके परिवार की भूमि की सिंचाई है तो एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर दे, प्रदान कर सकता है, तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों में बीज डालने, पानी देने, खाद देने, कटाई सब कुछ करने में इतना मतलब 50 दिन लगते हैं ओवरऑल, मतलब ऐसा तो नहीं खेती जब की जाती तो उसमें रोज लगे रहना पड़ता है, जैसे शुरू में बोया गया तब 4-5 दिन लगा, बीच में खाद पानी दिया गया 1 दिन 2 दिन, फिर सिंचाई हुई, तो ऐसे अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए एक फसल को पूरा करने के लिए तो जहां तक लगे तो 50 बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, 20-25 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। अगर रबी की फसल या खरीफ की फसल आपको बोनी है तो ऐसे जोड़ लो चार पाँच दिन बीच बीच में ऐसे करके, तो ऑन एन एवरेज मान लो 1 महीना, हमें तो जहां तक लगता है कि का एक तरह से रोजगार उसमें मतलब कोई इंगेज होता है, मगर फसल तैयार होने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं, अदर 4-5 महीना क्या करें, ठीक तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अतः एक नहर खोदी जाती है, इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की भी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक। तो क्या करना है अगर सरकार क्या करे नहर और ये सब चीजों से, क्या है अगर चीजों को सिंचाई के संसाधन का सबसे बेस्ट बढ़िया तरीका क्या है कि सभी जगहों तक पानी की संसाधन मतलब सिंचाई का एरिया पहुंचे सरकार, इसीलिए ये जो योजना है आपने देखा होगा नहर सिंचाई का सबसे अच्छा संसाधन है, जहां पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां भी पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। और सिंचाई भी करने में क्या होता है टाइम ज्यादा नहीं लगता है भाई, ऐसे हो गया गुस्सा हो गया, चलो ठीक है अब नहीं उसको छू। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी, इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं, इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान उन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो यानी कि अगर देखा जाए क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहाँ पूछा जा सकता है कि सरकार कौन से ऐसे कदम उठाए कि जैसे किसान क्या कहते हैं अल्प बेरोजगारी और इससे ग्रामीण एरिया में दूर किया जा सकता है, मतलब एक तरह से लोगों का प्रोडक्शन मतलब एक तरह से रोजगार भी बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, क्या कर सकती है इसी में बता दिया उसने, परिवहन ऐसे नहीं दे सकते, परिवहन कहाँ दे देगी सरकार, साधन नहीं दे सकती वो सड़क बनवा सकती है, सिंचाई के लिए वो क्या कहते हैं सरकार आके सींचेगी नहीं, सरकार क्या कर सकती नहर की फैसिलिटी अवेलेबल करा सकती है जिससे सिंचाई के संसाधन अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का क्या कर सकता है, नलकूप से अगर सिंचाई हो रही मान लो नहर हर जगह नहीं पहुंच सकता है तो क्या कर सकती है गांव-गांव एरियाज में क्या कर सकती है बिजली की कनेक्टिविटी हो और साथ ही साथ पंपिंग सेट द्वारा क्या है उसमें सिंचाई के संसाधन अवेलेबल करा सकती है। इससे क्या होगा कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कम लोग लगेंगे और क्या होगा प्रोडक्शन भी इससे बढ़ेगा, ठीक। और किसानों को जैसे अभी देखिए किसान सम्मान जैसी योजना किस लिए है किस लिए आई है, मेन उद्देश्य क्या है, किस लिए योजना लाई गई थी लोगों को ऐसे पैसा देने के लिए कि कोई उद्देश्य से लाया गया है,
मेनली क्या है, किसानों को फसल बोने के हर तीन तीन खेती होती है, रबी खरीफ जायद, तीन फसलों को बोने के पहले क्या करती है, उनके अकाउंट में 2,000 रुपया इसलिए देती है कि आपको फसल और बीज उर्वरक की जो जरूरत हो तो हमारी तरफ से ये हेल्प है, मतलब सब्सिडी देती है वो। किसान सम्मान यही है कि खाद और बीज को, जैसे किसान को क्या होता है, खाद बीज खरीदने का ही अगर शुरू पैसा नहीं मिल पाता है क्योंकि वो तो मार्केट से ला कर आना है, वहां तो भाई उधार नहीं ऐसा मिल सकता है, या फिर उसके लिए बैंक भी जाना पड़े, तो बेटर है सरकार क्या करती है, 2,000 रुपया दे देती, दे रही है, ये मेन उद्देश्य उसका यही है, ठीक है, तो फाइनेंशियली दे रही है सपोर्ट, ठीक, और साथ ही साथ क्या है, सिंचाई के संसाधन देगी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी करेगी, तो जो ओवर प्रोडक्शन होता है, अगर हमारे पास क्या है, जो पहले प्रोडक्शन होता था कम होता था, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है जो हमारे कंजम्पशन से एडिशनल होता है, और साथ ही साथ क्या करे सरकार, बियर हाउसिंग की व्यवस्था करे, बियर हाउसिंग मतलब भंडारण करने की, मतलब गोदाम और इन सब चीजों की, क्योंकि मान लो आपके घर से 30 किलोमीटर क्या है गोदाम है, तो सामान ले जाने में क्या होगा, दिक्कत होगा ना, और किसान क्या सोचेगा कि 30 जितना हमको प्रॉफिट पाना है उतना हमारा कहाँ चला जाएगा, किराया देने में, भाई कोई मान लो किसी का ट्रैक्टर या ट्रॉली हम करते हैं तो उससे क्या होगा, तो सरकार कम से कम जो सबसे बेस्ट आइडिया है 10 किलोमीटर की रेंज में कम से कम एक बड़ा गोदाम सरकार को रखवाना चाहिए, वैसे अब तो ग्राम सभा और इसमें सब में करती है गोदाम, आप अपने वहां पर जो MSP पे जाके बेच दीजिए, फिर उसके बाद उस गोदाम से वो अपना सरकार अपना लेकर जाती है मंडी में रखती है, ठीक, तो ये सब सुविधाएं जब करेगी, बियर हाउसिंग की सुविधा करे, इरिगेशन की सुविधा करे, रोड कनेक्टिविटी अच्छी करे, और फाइनेंशियली भी ये सब चीजें करेंगी, तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो मजबूत होंगे। इस तरह से आप आंसर अपने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब कृषि से साथ साथ, और साथ ही साथ मान लो आपके पास क्या है, कुछ पैसा है तो आप ट्रैक्टर या ट्राली या कुछ भी जो भी आपकी व्यवस्था कर लेते हो, तो एक तरह का दूसरा भी रोजगार उसमें स्टार्ट हो सकता है, आप वही वहां के किसानों का क्या है, जो जो भी गेहूं धान जो भी उत्पादन हुआ उसको वहां से मंडी में ले जाने में आप भी उस पर एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी पा सकते हैं, है ना, सब लोगों की आंखें झप झप मार रही हैं, क्या हुआ, ठंडे पानी से धुल लीजिए, जैसे कहते हैं ना ठंडे पानी से आंख को खोल के ऐसे से कभी कभी धुल लिया करिए, अच्छा रहता है, क्यों, जबकि तुम्हारी भी आ रही है, बहुत आसानी से मारे हो, थोड़ी सी तेज वाली नहीं मारे थे, बहुत हल्की वाली अरे हम यही हम अभी देखे हैं खाना, और इससे सबसे नहीं होता है, जस्ट इसको क्या करो अपने से जोड़ लो, जोड़ने का मतलब समझते हो, ये सोचो कि ये जो जो हम पढ़ रहे हैं जस्ट हमारे सराउंडिंग ये चीजें चल रही हैं, या फिर हम इसमें कर सकते हैं कनेक्ट, जब अपने आप को कनेक्ट करोगे तभी उसमें इंटरेस्ट आएगा, है ना, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर हर चीज से जुड़े हुए हो, और इस पर अब देखो जैसे हमें पास लग रहा है कि हमारे पास एक को दो पॉइंट नहीं है लिखने का, मगर ऐसे देखा जाए तो अब 4-5 पॉइंट बन गए कि नहीं बन गए, कि कैसे किसी तरह से किसी किसान को सरकार प्रोटेक्ट कर सकती है ना, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कर भी रही है, इनडायरेक्टली भी कर रही है, भाई अगर सड़क बनवा दी तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली ही तो किया, और किसान सम्मान योजना दे रही है तो डायरेक्ट दे रही है ना, तो इस सब तरह से ये चीजें कर सकती है। देखो लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, खेत तो खेती करने के लिए उसे, ये पढ़ चुके ना, बीज उर्वरक उर्वरक कृषिगत उपकरणों जैसे ट्रैक्टर ट्राली भाई ये सब होता है ना, मान लो हमारे पास नहीं है तो उस उपकरण के लिए दूसरे से लेंगे तो भी पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, पानी निकालने के लिए पंप सेट की जरूरत है, एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती है, इसलिए उसे साहूकारों से क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, तो बेटर है सरकार क्या करे फाइनेंशियली, अभी तो देखो क्या है KCC इसके तरह क्या करती है, किसानों को जो लोन देती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देती है ना, लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ता है, बैंकों का लोन सालाना होता है और साहूकारों का लोन मंथली होता है, और वो भी 10% पर चलता है, ठीक है, यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीजों की उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी, तात्पर्य यह है कि पानी के
पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख, सस्ते कृषि साख मतलब समझ रहे हो, कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा करना। साख मतलब क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधारी, ठीक है, करने की जरूरत है। और ये मनी मुद्रा बैंकिंग ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में इस पे पढ़ेंगे ही, ठीक है। हम एक अन्य तरीके से भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, वह तरीका यह है कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर मतलब दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं और इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृह के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वह अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण भंडारण कर सकेंगे और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकेंगे। अभी मैंने शुरू में भी ये सब चीजें बताई थी, किसान अपनी उपज का तभी क्या कहते हैं रिटर्न पा सकता है जब क्या हो, भंडारण मतलब कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अगर हर 10 किलोमीटर या 12 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में ऑन एवरेज क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। होगा क्या इससे, सबसे बेस्ट ये होगा, चलो सरकार ये सब व्यवस्था तो सब कुछ कर दी, मगर अगर किसान अपनी फसल को क्या करते हैं जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसको ठीक से रख नहीं पा रहा, वो जाके व्यापारी खरीद के वो करता है ना। अगर जैसे आलू प्याज ही है, आज जैसे आलू पैदा हुआ, प्याज अभी खोदा गया होगा, अभी जस्ट खुद गया होगा, अब इस समय प्याज सस्ता हो गया होगा मार्केट में, है ना। किसान क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में होगा वो 8-10 रुपया या जो भी वो कुंटल के हिसाब से बिक जाएगा, जस्ट 2 महीने बाद ही क्या होगा 30-40 रुपया किलो बिकेगा। व्यापारी ने क्या किया, खरीद के उसको कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया, किसान को तो फिर खाना वही पड़ता है ना। अगर किसान ही उस फसल को अपने खुद कोल्ड स्टोरेज में रख दे तो अपने अकॉर्डिंग अपने मूल का दाम उपज का दाम नहीं पाएगा, तो सरकार को इन सब चीजों पर एफर्ट करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए। आलू रखती है मगर वो भी देखो बहुत उतना अच्छी मात्रा में, हमारे तो हम देखा जाए तो हम अपने एरिया में देखें तो पहले एक था, शायद अब वो चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। दूर दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर रहते हैं, बेसिक चीजों मतलब जैसे जहां पर जरूरत है उस चीज की वहां पर वो करनी चाहिए, ठीक है। अच्छी फसल देखो क्या है, कोल्ड स्टोरेज होने से बहुत फायदे हैं, जैसे अभी ज्यादा मात्रा में चीजें लो, ये क्या कहते हैं वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल क्या होता है, ड्यूरेबल वस्तु है या नॉन ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल, ये भी तीन तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है कम समय का होता है, थोड़ा और समय का, लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। जैसे कि प्याज है, प्याज क्या ड्यूरेबल है, ज्यादा दिन तक चल सकता है, मगर वो भी एक टेम्परेचर पर रुक सकता है, उसके लिए भी है एग्रीकल्चर में ये सब बताया गया है कि कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है ठीक से, लेकिन तो क्या होगा गर्मी में वो सड़ने लगते हैं। आलू अगर ऐसे रखा रहता घर में देखो कितना सड़, एक आलू सड़ता है दूसरे दिन उसमें 5 ठुफिन निकलता है ना। और उसके क्या होता है टेम्परेचर की जरूरत होती है, उस टेम्परेचर पर रहेगा तो वो नहीं सड़ेगा। धान गेहूं भी क्या होता है, टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए देखते हो एक टाइम आता है कि उसमें जैसे घुन पड़ जाता है या फिर सीड़ा लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो टेम्परेचर की जरूरत होती है उसमें, उस टेम्परेचर के आधार पर उन फसलों को या फिर उन सब्जियों को क्या किया जाता है वहां पर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, फिर समय समय पर क्या करते हैं उसको निकालते रहते हैं या फिर व्यापारी वर्ग जो भी है वो क्या करता है। और सरकार के नियंत्रण में होगा तो क्या होगा, उस पर जैसे ही मार्केट में जरूरत होगी वो सप्लाई करेगी, और व्यापारी है वो क्या कहता है कि थोड़ा रुको और शॉर्टेज होने दो, शॉर्टेज होने का मतलब क्या है कि और मांग बढ़ने दो, हम अपना प्राइस फिर और महंगा कर देंगे, समझ में आया। तो वो क्या करते हैं, डबल टिबल नहीं पता नहीं कितना गुना मुनाफा लेते हैं, अरे हम आज थोक भाव में 8 रुपया किलो खरीद लें, 6 रुपया किलो खरीद लें, और कल को हम 45 रुपये में बेच रहे हैं और मार्केट में फिर 50 रुपये में बिक रहा है, तो जो मंडी से लेगा वो भी तो प्रॉफिट लेगा, फाइनली कंज्यूम जो कर रहा है उसी को तो पे करना पड़ रहा है। तो ये सब दिक्कतों से निजात पाना है तो क्या करना होगा, सरकार को केवल सिंचाई संसाधन उर्वरक संसाधन यही नहीं, ये नहीं खादी साथ उनकी फसल को रखने के लिए भंडारण मतलब प्रशीतकरण जो लिखा हुआ था मतलब क्या है, कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक।
ये देखो लिखा हुआ है, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके, सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि जैसी बाहरी बाजारों में बेचा जा सके। और साथ ही साथ ये भी क्या कर सकती है, किसान अगर मजबूत होगा तो जहां पर जिसकी जरूरत होगी वो क्या करेगा, अपने सामान को खुद ले जाके बेच जाएगा, है ना। प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है, वही ये कोल्ड स्टोरेज है, ठीक। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा और साथ ही साथ कई सारे लोगों को क्या होगा, उसमें जो एरिया वाइज लोग होंगे कहीं ना कहीं बोरा उठाने के लिए कोई काम कर रहा होगा, कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा, तो एक रोजगार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो आपके समझ से बेटर है कि नहीं है। आप ये देख पा रहे हैं कि सिंपली कैसे किसान की उपज को और रोजगार के कृषि क्षेत्र में कैसे और अच्छे से बढ़ाया जाए, क्या करना होगा, सरकार कुछ एफर्ट ऐसी करे जो क्या करे, किसान को मजबूत करे, ठीक। ये देखो किसका निर्माण हो रहा है, गुड़ का। अरे गुड़ का है ना, कोल्हू में पेरा जाता है, फिर यहाँ नीचे आग लगी होती है, इसी में इसको खूब चलाया जाता है, गंदगी निकाला जाता है, फिर उस नहीं देखे हो क्या गुड़ कैसे बनता है। हाँ वो तो 100 मीटर दूरी पर ही महकने लगता है, ऐसे ही बनता है, ऐसे बड़ा बड़ा पॉन्ड खूब बड़ा होता है उसका, वो क्या कहते हैं, पहले एक दो तीन स्टेप बड़े बड़े कराहा होते हैं, उसमें नीचे आग लगा, पहले उसमें पहले गंदगी छनती है, फिर दूसरा पलटा जाता है, दूसरे फिर जब एकदम साफ हो जाता है और उस पर लसलसा, तब इस पर करके चलाया जाता है, फिर सोख जैसे छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद गोल गोल बना दिया जाता है, गाढ़ा हो जाता है, सिंपल है, ठीक है। मगर हाँ मेहनती काम है, ऐसा नहीं कि आसान है, आग के किनारे वहाँ नीचे एक कोई बैठा रहता है, बार बार आग जलाना पड़ता है, उधर कोई एक चला के पेर रहा है मशीन, अब तो मशीन से कर रहे हैं लोग, पहले तो बैल लगाते थे, वो एक लगा रहा है उसमें से रस निकल रहा है, उसमें से वो कनेक्ट पूरा कनेक्ट किया रहता है सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जाइए कभी, हम हमारे मामा के घर के हर एक किलोमीटर पर है खूब सारा नहीं हमारे अभी वहाँ पर अभी भी है। तो जब गुड़ मामा के यहाँ जाते हैं जब सीजन होता है तो शुद्ध गुड़ वहीं से खरीद लाते हैं, ठीक है। यहाँ सब एक गुड़ मशहूर है, देखते हो रे गुड़ का कलर एक थोड़ा पीला पीला दिखता है, वो गुड़ होता है, वो केमिकल होता है। जैसे आप शुद्ध गुड़ खाओगे तो आपका गला साफ भी होगा और साथ ही साथ एसिडिटी अगर बन रही हो तो खत्म हो जाएगा, और उस गुड़ को खाते हो तो और एसिडिटी बनने लगती है। कभी टेस्ट किया कि नहीं, जो व्हाइट या फिर देखते हो ये कहते हैं कि ना कानपुरिया गुड़ एक बिकता है, इतना बड़ा बड़ा वो कानपुरिया है, वो जो साफ है वो एकदम बेकार गुड़ है, उसमें केमिकल डाल के साफ किया जाता है और केमिकली डाल, जैसे आपके जैसे कहते हैं ना कानपुरिया, वो क्या कहते हैं खोवा खूब बिकता है ना, उस टाइप का गुड़ है, 30-35 रुपया किलो वाला खोवा जो पकड़े जाते हैं, कभी कभी देखो ना बात आती है जब, जैसे देखो एक चीज बताओ, इतना दूध कहाँ से आता है, इतना तो प्रोडक्शन नहीं है कि इतना स्वीट्स बन रहा है, इतना चाय बन रहा है, इतना लस्सी बन रहा है, कहां से बन रहा है, दूध भी इतना जरूर हो रहा है, काफी चाय, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट में खाने की दुकान पे मिठाई स्वीट्स पर चले जाओ तो सब कुछ स्वीट्स वाली दूध से बन रही है, घी कहां से, इतना तो गाय भैंस नहीं दिखता है गाँव में, अभी अंदाजा लगाया है, वो आता भले है, बहुत लोग दिखाए हैं कैसे सरफ को डाल के बनाते हैं, सरफ भी डाल के बनाया जाता है दूध, है वो है टेक्निक है, उसमें भी गर्म करो, फाड़ने पर पता चल जाता है जब दूध फटता है, निर्मा की तरह वो नीचे दिखने लगता है, केमिकल है सब, तो वही चीजें हैं। आज समझ लीजिए जैसे अच्छा दूध, जो बचने का तरीका क्या है, दूध का बना हुआ स्वीट्स ज्यादा ना, जहां तक देखोगे आप खोआ, जैसे आप तक देखते हो मार्केट में, हम देखते हैं कि एकदम जब आप कभी रबड़ी या वो क्या कहते हैं दूध वाली मिठाई खाते हो लेते हो कलाकंद, एकदम व्हाइट कलर का कैसे होता है, हो कभी व्हाइट कलर का खोआ बन सकता है एकदम, कभी अज्यूम किया है, अगर आप कभी अपने घर पर देखे होंगे खोआ कभी भी अगर दूध को बनाया जाए तो एकदम व्हाइट तो नहीं बन सकता है, लालरीपन उसमें सुनहलापन आना ही आना है। अरे रेवड़ी कैसे फाड़ के बनाई जाएगी, रेवड़ी वही तो है, दूध को गाढ़ा कर दिया जाए, पनीर, पनीर भी, और इतनी बड़ी मात्रा में पनीर कहाँ से आता, अरे अभी तो सीजन नहीं चल रहा है,
जब सीजन ये लगन आएगा तब इतना कहां से क्या गाय भैंस को तैयार हो जाती है कि हाँ आप दूध ज्यादा देना है, ऐसा तो नहीं। और देखिए इस गर्मी के सीजन में दूध आती है, गाय जो होती है वो गर्मी की वजह से उनका दूध सूख जाता है एक तरह से प्रोडक्शन। गांव में जब कभी देखिए जो लोग का अगर 5 लीटर दूध रहे तो 2 लीटर देती हैं, फिर इतना गर्मी वो झेल नहीं पाती है ना, क्योंकि पहली चीज उनको भी पालने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था, उनको भी पंखा चाहिए, नहाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर तरह से हवा चलती रहे, तब उन अपने टेम्परेचर पर क्या वर्क कर पाएंगे, रह पाएंगे। जैसे हम क्या होता है अभी 1 घंटा धूप में निकल जाए तो एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर काम करने की हिम्मत नहीं रह जाती, कोई हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं लग रहा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई वो भी अगर दिन भर ऐसे धूप में बैठी हैं और हवा, हम लोग तो घर में घुस जाते हैं, हवा चल रही है, सर 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 लू चल रहा है, तो उनको भी तो लग रहा है, तो कैसे पूरा होता है। जुलाई अभी तो इस बार मई जून में लगन नहीं सुनने में आ रहा है, जुलाई में एक बार कहां से इतना दूध आ जाएगा पता है, कैसे आएगा इतना पनीर, कहां से आता है, कुछ नहीं है, सब केमिकल है। नहीं तो बेटर क्या है कि कुछ चीजों को क्या करो, अपने आप से इग्नोर करो कि हाँ ये चीज नुकसानदायक है, तो बेटर है कि ना मार्केट वाला चीज उतना खाया जाए। जानने की क्या बात है, या तो फिर आप अपना खुद 2 किलो दूध लाके फाड़ के खुद घर पे बना लीजिए पनीर, नहीं तो दूध आप खुद गाय या भैंस जो सामने जो बेचते हैं उनसे लो ना, ठीक है। नहीं जैसे कुछ लोग डेयरी लगाए रहते हैं, गाय दूध जो होता है जाके आप खुद लेकर आइए, जैसे हमारे से क्या भाई गांव है तो गांव में तो हमारा दूध भाई मिल जाता है डेयरी, आजकल तो डेयरी का कल्चर जबरदस्त हो ही गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, जब हम केमिकल खा रहे हैं चीजें ये खा रहे हैं तो फिर क्या आगे बीमारी तो होना ही होना है, कैंसर ये सब चीजें रोग होना ही होना है, तो बाजार की चीजों को थोड़ा अवॉइड करना सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। दूध अगर बाहर देखो क्या कहते हैं शुद्ध मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज केमिकल वाला बाहर का खाना पीना थोड़ा कम करना पड़ेगा, बस यही, और कोई चारा हमें नहीं लगता है। चलो आगे देखते हैं, भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष आयु की है, मतलब इसके अकॉर्डिंग बता रहा है, इनमें से 51% लगभग भी विद्यालय जाते होंगे, मतलब 51% लगभग लोग विद्यालय जाते होंगे बता रहा है, शेष खास करके 18 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, वह या तो घर पर रह रहे होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे, यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहां आज भी क्या है आंकड़ा अगर देखा जाए तो युवा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। बच्चा अगर क्या है 14 से और इस एज ग्रुप में देखोगे, बच्चा जब इनरोलमेंट लेता है, जैसे है ना हमारे यहाँ ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जो है वो कम क्यों हो जाता है, बच्चे जो स्कूल है कुछ छोड़ देते हैं, जैसे जो गरीब या फिर उस टाइप जैसे हैं बच्चे वो क्या करते हैं, या 2-4 बच्चे हैं जिनके पास ज्यादा है तो क्या करते हैं कि भैया चलो अब तुम 8-9 पास हो गए हो, अब चलो कुछ अपना वर्किंग काम करो, तो क्या करते हैं स्कूल वो छोड़ देते हैं, फिर छोड़ना पड़ जाता है, समझ में आया। तो इस वजह से क्यों, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोई काम में पेरेंट्स और या घर की स्थिति वो देखते हुए क्या करना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है अध्यापकों, और साथ ही साथ अगर ये छोड़े भी नहीं तो और ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चे रहेंगे तो फिर सरकार को क्या, अध्यापकों को भी और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, भवनों का निर्माण करना, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग वर्तमान में जो नीति आयोग के द्वारा एक अध्ययन किया गया है, अकेले शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है, केवल किस क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वालों को वाले और अधिक डॉक्टर नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मगर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल कहाँ है, शहर में, दवाई का पैसा तो देते हैं वो गरीब होके आके भीड़ लगाते हैं, फिर जो आने जाने का खर्चा लगता है वो अलग ही लगता है, जितने दवाई उतने खर्चा है ना। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ग्रामीण एरियाज में क्या करने चाहिए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल एक चीज खोलने चाहिए। धीरे धीरे हो रहा है, जैसे कुछ लोग जो पढ़ आ रहे हैं अपने ग्रामीण प्रवेश में ही, जैसे जो बाजार है वहां पर एक, मगर लोगों का क्या होता है ट्रस्ट, एक वो कि लखनऊ दिखाएंगे तो वहां का डॉक्टर
बढ़िया तुरंत है हम, या फिर एक होता है ना जो मार्केट में अपनी छवि बना चुका है, जैसे एक डॉक्टर की होती है, नया आया है तो ये क्या जान रहे होंगे, ये भी हो जाता है ना। तो वो सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, ये सब कुछ दिन बाद फिर जब उनको भी नहीं लगता है कि यहाँ नहीं होगा तो वो भी चले जाते हैं, फिर छोड़ के अपना कहते चलो कहीं खोले। कब तक वो भाई, अगर हम दिन भर बैठे रहेंगे अपना मेडिकल और या फिर कुछ खोल के क्लिनिक, और दो एक को दो कस्टमर नहीं आया तो कितने दिन ऐसे झेल पाएंगे। बेटर वो भी कहेगा चलो शहर में, है ना। तो इसी धारणा अभी भी देखिए क्या है, हम ही अभी क्या है, क्या कहते हैं, हमेशा उसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो क्या है पता करते हैं, हाँ यहाँ से ये रिजल्ट आया होगा तभी डॉक्टर का भी, हाँ ये डॉक्टर हमारा, जैसे हमारे पेरेंट्स अच्छे हो गए थे उनके यहाँ लेकर जाओ। ये होता है माउथ पब्लिसिटी, ये एक तरह से कहते हैं पब्लिसिटी का, कहो कितनों बोर्डिंग होर्डिंग लगा दो किसी भी तरह से कोई वो एडवर्टाइजमेंट का मतलब नहीं बनता है। माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो सबसे तेज और सबसे अच्छी होती है। जैसे आप कहीं गए, फैसिलिटी लिया, आपको अच्छा लगा, तो आप जैसे ही सामने कोई बात कर रहा होगा तुरंत बता दो कि आप वहां नहीं यहां जाओ, वो पूछे ना या ना पूछे आप जरूर बता दोगे, क्योंकि आप वहां से क्या हो, सेटिस्फाइड हुए हो। सेटिस्फाइड नहीं होगे तो तुरंत, अगर वो वहां पर जा रहा होगा तो तुरंत क्या करोगे, मना करोगे, हाँ वहां का करे जा रहे हो, हम गए थे मारा था एकदम से नोच खा लिया था हमको, है ना। तो ये चीजें हैं, एडवर्टीजमेंट का सबसे अच्छा एक मार्केटिंग में मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है माउथ पब्लिसिटी होती है, होर्डिंग बोर्डिंग ये सब कोई मायने नहीं होता है, ठीक है। जिनमें रोजगार का सृजन होगा हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, ठीक। तो ये सब चीजों पर हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। अब ये जो स्टेटमेंट पढ़ा आपने, यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं से भी किया जा सकता, कैसे, टेक्नोलॉजी से कैसे आपके रूरल एरियाज में रोजगार जनरेट हो रहा है, कुछ है आइडिया, लगता है ऐसा हो रहा है। पहले देखो आज हर बाजार और नुक्कड़ पर क्या है, दो चार जनसेवा केंद्र दिख जाते हैं, मिलता है ना। रोजगार क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ ना, इंटरनेट सुविधा ये हुई, और फिर तो सरकार को ने भी क्या किया कि अब इन चीजों को क्या करना चाहिए, वो भी है कि उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे नहीं है, उनको अथॉरिटी दी जाती है, वो पहले अप्लाई करना पड़ता है, तब वहां से ब्लॉक या तहसील से वो चीज मिलती है, तब आप उसको कर सकते हो। पहले ये सारी चीजें कौन करता था, लेखपाल या सेक्रेटरी जो होता था, ठीक है, तब उनके पास पैसा, अभी भी भाई वो भी 50 जो चार्ज होता है वो लेते हैं, मगर आसान तो हो गया। अब आप सुबह सुबह जब लेखपाल के पास पता लगा कभी नहीं मिल रहे हैं कभी नहीं, तो कोई काम क्या होता था। और जब आप ये जो जनसेवा केंद्र है ये जब उसको भरते हैं तो फाइनल वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के पास हो जाता है, फिर वो अपना साइन और मोहर वहां पर लगा देते हैं, तब देखते हो ना प्रिंट जब निकलता है, चाहे प्रमाण पत्र जो भी हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उस पर लिखा रहता है, जो आपका एरिया का सेक्रेटरी या लेखपाल होता है वो उस पर करके देता है, डिजिटल डिजिटल साइन लिखा रहता है ना, वो अपना एक स्कैन करके देते हैं, तो उस पर वो करके फिर प्रिंट आपको निकाल के दे देते हैं, ठीक। तो इनमें से कुछ समुचित योजना सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्यक्ष के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार भी मिल सकता है। पर्यटन में कैसे किया जा सकता है, सरकार क्या करती है, देखते हो आप लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पर्यटन स्थल या वो चीज़ें देखी जाती है तो वहाँ पर डेवलपमेंट करें उन चीज़ों को, क्या है, एक हमारी क्या होती है, धरोहर होती है, तो उससे क्या होगा, लोग आएंगे घूमने टहलने आएंगे तो क्या होगा, खाएं पीएंगे रहेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा ना। हमारा एक तरह से क्या होता है, अगर किस आपका क्या कहते हैं टूरिस्ट अच्छा है आपकी कंट्री का, या कोई खेल का आयोजन किया गया, बाहर के लोग आपके कंट्री में आए, तो आपकी कंट्री का क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ेगा, अभी भी नहीं से बता पाए, और बताओ। पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अंतर बताओ। दोनों होगा, ये 2011 आईएएस का क्वेश्चन है, क्योंकि 11 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, 10 में तो यही क्वेश्चन आया था कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम के हुआ, इसके आधार पर बाहर के खिलाड़ी और पर्यटक वो लोग आए, तो
इससे इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था का आयात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, घटेगा, ऐसा चार ऑप्शन है उसमें। तो किसका अपना थोड़े कह रहे हैं, हाँ? आयात मतलब क्या होता है? इंपोर्ट। बस और कोई अभी देखो, अभी हम आंसर बता रहे हैं देन करके, और कुछ दिमाग लगाओ। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब बाहरी लोग आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे ना, तो अपने यहां की एक्सचेंज से एक्सचेंज करेंगे, तो वो पैसा हमारे फॉरेक्स फॉरेक्स में जमा होगा कि नहीं, उनका डॉलर। तो डॉलर जब बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा? यानी हमारे यहाँ के सामान को कंज्यूम करेंगे तो पैसा तो देंगे, यानी जब हम अपने यहाँ का सामान बाहर भेजते हैं तो हमको पैसा मिलता है ना, एक्सपोर्ट इसी को तो कहा जाता है। तो बाहर के लोग जो हमारी कंट्री में आएंगे तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को पहले हम फिर आके हमारे यहां चेंज करेंगे। ये बहुत बहुत दिन तक कंफ्यूजन में रहता है, जब तक एकदम क्लियर ना हो जाए कि एक्सपोर्ट मतलब आयात होता है, निर्यात होता है, और इंपोर्ट मतलब आयात होता है। हाँ तो वही बात, वैसे ही सब। जो मान लो वो पैसा लेकर आता है तो यहाँ कंज्यूम करेगा तो यही तो पैसा देगा, मान लो तो बाहर से आ रही है, इसका मतलब ये थोड़े, जब हम बाहर से हमारे यहाँ से कोई चीज आता है वैसे तो इम्पोर्ट, तब उसके बदले हमको पे करना पड़ता है ना। जस्ट उसका वो रिजल्ट भी देखो साथ में, जब हमारे यहाँ हम सामान बाहर से मंगाते हैं तो हमको पे करना पड़ता है, और जब हम सामान भेजते हैं तो हमको मिलता है। तो वो जब आएंगे हमारे यहाँ खाएंगे पिएंगे रहेंगे तो पे किसको करेंगे? हमको करेंगे ना, तो हमारा क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्लियर? तो पर्यटन अभी देखना, टूरिस्ट के उसमें देखिएगा, इस बार जैसे अयोध्या का हुआ है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, चीजें हैं, तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारी यूपी का जो क्या कहते हैं जीडीपी और ये ग्रोथ क्या है, सबसे ज्यादा उसी में पर्यटन में। जब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आएंगे तो किसका बढ़ेगा? रोजगार भी जनरेट हो रहा है वहां का, रोजगार जनरेट हो रहा है, रोजगार जनरेट होगा, लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज होगी, आसपास के 2-4 किलोमीटर का तो चेंज हो रहा है पूरा सब। कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो थोड़ी बहुत के पास व्यवसाय, अपना होटल खोल दिया, क्यों धर्मशाला खोल दिया, डेली टू डेली आ रहे हैं टूरिस्ट, वो हजारों मतलब कुछ नहीं, अपनी जमीन पे अपना बना दिया और 2-4 कमरे उठ गए, डेली आ रहा है 10-15 हजार रुपया, है कि नहीं? तो रोजगार एक तरह से, रोजगार क्या, ये भी तो सरकार ने किया, तो कर को रोजगार लोगों को जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, है ना? व्हीकल आएंगे, कुछ नहीं तो बहुत लोग ठेका लिए होंगे एरिया का, क्या कर रहे होंगे, ये गाड़ी वाड़ी खड़ी करने का, साइकिल स्टैंड या फिर मोटर गाड़ी का, तो क्या उससे रोजगार नहीं मिल रहा है? बहुत से लोग हैं जो वहां पे दुकान खोलने के लिए, मतलब मिल जाए किसी तरह 5-10 फीट का, अरे तो क्यों ले रही? अब सरकार जैसे वो 100 ले रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट क्या होगा, उनको वो ठेका जो लिए होंगे उनको जमा करना पड़ा होगा। अब सरकार ने वो सारी व्यवस्था, जो वहां सड़क का चौड़ीकरण किया गया, जो सौंदर्यीकरण किया गया, वो पैसा सरकार ने लगाया ना, किसी पीपीपी मॉडल पे ही तो किया गया होगा, कोई कंपनी ने किया होगा, वो पैसा जब पे किया होगा उसने तो पे कर दिया था। अब हम अब उसकी सेवाएं कौन ले रहा है? हम आप ले रहे हैं ना कि हाँ बहुत बढ़िया सड़क एकदम चलते हुए चले, यहाँ 4 किलोमीटर बाद फैजाबाद ऊपर पहुंच जाओ, सुविधाएं हम ले रहे हैं, तो पे कौन करेगा? हम पे करेंगे ना, सरकार ने करवा दिया, अब उसके बाद आप पे करो, क्योंकि आपको यूज करना है, नहीं पे करना तो मत जाओ। हाँ तो यूज हम ही तो करते हैं। अब हाईवे का मजा अगर लेना है हमको तो हाईवे पर अगर चढ़ना है तो टोल टैक्स दो, नहीं कहाँ तो दो नहीं, एक रेंज होता है 100 किलोमीटर की रेंज में, 50 के रेंज में होता है उतनी दूर पर टैक्स, वो क्या कहते हैं टोल टैक्स लगेगा, 70 से 80 किलो, हाँ 150 नहीं है,
हम वही, आप कभी भी हाईवे पे चलोगे तो 100 किलोमीटर की रेंज में ही पास में ही एक टोल टैक्स मिलेगा हमेशा हमेशा। आप जैसे यहाँ से निकलते हो तो बाराबंकी के पास मिलता है, फिर जैसे फैजाबाद आने वाला होता है तब एक मिलता है, फिर आगे जाते हो 100 किलोमीटर तो बस्ती के आसपास मिलता है, फिर आगे निकलते हो तो क्या कहते हैं तो 3-4 टोल टैक्स पड़ जाते हैं ऐसे। तो 100 किलोमीटर 80-80 किलोमीटर की रेंज में ही वो एक एक पड़ता है। ठीक है, तो मतलब ये रहता है कि 1 किलोमीटर चलो तो लगभग 50 पैसा पे करो उस सड़क पे। तो सब तो देते हैं। ओहो, कुछ लोग अब कह दो कि अधिकारी क्यों नहीं देते हैं, कुछ चीजें होती हैं उनके लिए वो दिया जाता है छूट भाई। तब वो बाबर वही भैया, तो वो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज अगर करना है तो आप ऐसा कुछ करो कि आप वहां पर जाके, आप समझ में आया, अगर परिवर्तन करना है, अगर चाहते हो कि देश में परिवर्तन हो तो इस चीज के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। कहां? संसद में आप जाइए, इस बात को रखिए, परिवर्तन करवाइए भाई, परिवर्तन चाहिए अगर इस तरह की चीजों के लिए। तो हम ऐसे बैठ के यहां पर कहें कि परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होगा। उसके लिए आप करिए कुछ ऐसा कि आप वहां पर पहुंचिए, आप उसमें अमेंडमेंट करिए, सबके लिए लगा कराइए। ओहो, आजकल पढ़े लिखे क्या सोचते हैं कि हमारा पेट भर रहा है, आराम से अपनी जिंदगी जियो, संघर्ष करने की जरूरत नहीं, हम काकरे रास्ते धूप में मरने जाएं लोगों की सेवा ये सब करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, सांसद और वो सब बनते हैं। तब आप जन सेवा करिए, बिना स्वास्थ्य पहले जन वो इस तरह का अपने अंदर वो लाइए ना, इतना करने के लिए। अभी रात बिरात आपके गांव में किसी को कुछ हो जाए तो पट से दौड़ के जाओगे? हम बता रहे हैं, इतना कहने में आसान है। आप अगर जाना चाह रहे हो तो पहले तो घर वाले पैर, कहाँ चलती हो तुम, चुप बैठो, यही बोलते हैं। अरे भाई, हम बता रहे हैं, सच्चाई है, ये कहने के लिए आसान है, भी प्रैक्टिकल होके देखिए तो क्या होता है। पहले ना, अरे छोड़ो, सुबह पता करा जाएगा क्या हुआ, यही लोग करते हैं। और या फिर मान लो कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा तो सबसे पहले खुश होते, मरे दो दोनों लोगों का, बाद में देखा जाए, है ना। अगर आप एक सोशल है तो क्या चाहेंगे कि किसी तरह से कुछ ये ऐसी चीजें ना होने पाए, मगर ये चीज मिलती नहीं है, इतना राम राज नहीं आ पाएगा कभी। हम तो गांव में हर जगह पर 2 पार्टी होती है, 3 पार्टी में डिवाइड होता है गांव का, चाहे 10-15-20 गांव हो, डिवाइड होता है ना। तो ये गांव हो या शहर हो, शहर तो एकदम वो है, वहां पे इतना जहां झगड़ा होता है वही बगल बगल वाले से ही होता है केवल, बगल तीसरे वाले मकान से कोई मतलब नहीं होता है, उसी की बाउंड्री उसी की नाली से ही झगड़ा होता है केवल, शहर में भी इतना झगड़ा होता है। ठीक है, मगर अब तो बहुत कल्चर आ गया है अलग तरह का, तो वो भी नहीं होता है, मतलब ही नहीं है बगल तो, कोई कुछ हमें हमारे थोड़े करके। हाँ, कोई नहीं पता है, चलो तो खैर ये सब छोड़ो। तो ये रोजगार से संबंधित था कि टेक्नोलॉजी का अगर डेवलपमेंट, अगर और पर्यटन ये सब चीजें की जाएं तो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में डेवलपमेंट किया जाता है। कुछ सुझाव पर अमल लंबा समय लग, मतलब ये सब समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपाय, मतलब कुछ तुरंत उपाय कैसे कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी भारत में लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार मतलब मनरेगा लागू करने के लिए एक कानून बनाया। ये कानून है, एक्ट के तहत है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। अगर आप भी काम करने की इच्छुक है तो आप भी रजिस्टर करवा लीजिए, आप भी जाइए कुदार फावड़ा चलाइए और जो मजदूरी है वो आपको मिलेगी, और मिनिमम साल में 100 दिन की मजदूरी मिलेगा मिनिमम। अगर नहीं दे पाएंगे तो उसका आधा आपको क्या कर देंगे, भत्ते के रूप में दिया जाएगा तब भी। और इसे कौन सा नाम दिया गया है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था, 5 में ये एक्ट बना था, ये क्वेश्चन है। और ये लागू कब हुआ था, 2006, 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से स्टार्ट किया गया था। ऐसे याद करना पड़ता है, ये एक्ट बना था सितंबर में, शुरू में इसका नाम क्या था, नरेगा। ठीक, 2 फरवरी 2006 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया नरेगा। 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में इसका क्या नाम कर दिया गया, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, एमजी नरेगा बोल दिया गया, नरेगा की जगह नेशनल रूरल को जगह पर महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया गया। इसमें शुरू में कुछ 100 डिस्ट्रिक्टों को मतलब इस पर फोकस किया गया कि
कि इस पर काम किया जाएगा, ठीक है। और बाद में फिर एक दो साल में क्या हो गया, दो तीन साल बाद में क्या किया गया, सारे देश में 2009 तक आते थे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जहां पर है सब जगह इसको पूर्णतया लागू कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें क्या है कि इसमें जो रोजगार आपको मिलेगा, पहली चीज क्या है, 5 किलोमीटर के रेंज में ही आपको काम करना होगा, इससे दूर नहीं जाना होगा। अगर आपने उसमें रजिस्टर करवा दिया है अपने प्रधान या वहां पर, तो 15 दिन तक अगर आपको रोजगार नहीं दिया गया तो उसके बाद आपको, मतलब 15 दिन के अंदर भीतर ही आपको रोजगार अगर नहीं मिलता तो आपको जो भी मजदूरी होगा उसका आधा या जो भी हो आपको बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। महिलाओं और SC ST के लिए सीट का भी रिजर्वेशन है इसमें, ठीक है, 1/3 महिलाओं के लिए भी है, सबके लिए उसमें दिया गया है। इसका जो है क्या कहते हैं, शेयरिंग 60 या 40 है, ठीक है, केंद्र सरकार 60 खर्च करती है, 40 वो करती है, ये सब इसके पूरे चीजें पढ़ लेना है, ठीक। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, पहले शुरू में इतना ही नाम था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, 2009 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन इनको क्या गया, महात्मा गांधी को भी जोड़ दिया गया इसमें, ठीक है। तो ये वही सब चीजें लिखी हुई हैं, इसमें कम दिया है और बहुत सारी चीजें आपको देखने लगी, मगर ठीक है, जो काम के लिए सक्षम है। 2 फरवरी शुरू हुआ था अधिनियम, बना था अधिनियम, देखो क्या लिखा हुआ है, 2005 अधिनियम बना, ये एक्ट बना सितंबर 2005 में, ये लागू, जैसे योजनाएं जब कोई भी आती हैं तो पहले एक्ट बनता है, एक बनना चालू होना दोनों अलग है। जैसे हमारा GST क्या है, GST अधिनियम कब बना, 2016 में, लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। तो यही बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे पहले जब फैक्चुअल इस तरह का क्वेश्चन आता था बहुत कंफ्यूजन होता था, ठीक। जो काम करने के, और देखिए इसमें वही लोग हैं जो काम करने के लिए सक्षम हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुदार फावड़ा चला नहीं सकते और आप उसमें रजिस्टर करवा ले तो आपको करना नहीं, हम नहीं करेंगे, हमको पैसा चाहिए। अनस्किल्ड एंड मैनुअल पर्सन इसमें जो कुदार फावड़ा चला सकते हैं, ठीक। ये भी 2011 के IAS में क्वेश्चन आया था, जस्ट यही ऑप्शन था, अनस्किल्ड एंड मैनुअल पर्सन। नहीं, हम 12 से देना शुरू किए थे, 11 का पेपर जब गए थे जस्ट वहां, तो जब हुआ था तो पेपर देख रहे थे। हाँ, तो वो तो रहेगा ही, वो तो बेसिक क्वेश्चन उसमें तो रहेंगे ही, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का, ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो हमने आपको सुनाया है। क्या पूछो, कुछ छूट गया आपका, पेपर दे देंगे उनसे, सर से ले लेना, लिखना भी है वो हम कर देंगे, वो मेरी इस पेपर को करवाने से पहले मिल जाएगा आप लोगों को। हमारे काम पर मत ज्यादा ध्यान दो, अपने काम पर दो पहले, ठीक है। हमारा तो जो होना था हो गया है ना, कितने दिन में लिख के दिए हो, और किस दिन था, तो क्यों आज यही होता है, रिजल्ट के लिए तुरंत वो रहते हैं, ठीक है, हम कर देंगे, टेंशन ना लो। तो आयोग अगर अपने आप हमारे आपके मन से चलने लगे तो फिर आयोग तो आयोग रह जाएगा ना, उसकी रिस्पेक्ट फिर खत्म हो जाएगी ना, क्यों। अगर हम सोचे कि आयोग 2 ही महीना में ज्वाइनिंग करके सबको टाइम से दे दे तो फिर वही चीज है ना, उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी ना, बस वही है, टीचर भी अपने अकॉर्डिंग करेगा। कहाँ आयोग को एक काम रहता है क्या, देखो क्या होता है, हर चीज का टाइम होता है, कुछ चीजें होती हैं जब डिले करके परेशान करके दी जाती हैं तो उसका एक अलग मजा होता है। जैसे तुमने दिया कि तुरंत आ गया तो वो मजा नहीं है, जैसे आप अभी तैयारी किए तुरंत और तुरंत नौकरी मिल गई जैसे, तो ऐसा फील होगा कि मेहनत तो करें नहीं, लगभग नहीं करें मेहनत किए, ऐसा ना आसान है। जब 2-4 अटेम्प्ट खराब होता है, संघर्ष लगता है, 4 तरह की आवाज सुनाई पड़ने लगती है, तब लगता है कि संघर्ष है, तब जब मिलता है तब की हाँ फील करता है इंसान, तब उसको एंजॉय करता है कि हाँ। ये सब भावना लेकर सिलेक्शन कभी नहीं होगा कि जिसके जो बोले हैं हमको, हम उनसे बदला लेंगे, इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये सब चीजें, मतलब जैसे होता ना, पहली चीज हमको जो ज्वाइन करना है हमें केवल सेवाएं देनी है, हमें किसी के बारे में निगेटिव और वो चीज सोचने का टाइम ही नहीं है। सबकी थिंकिंग है,
जैसा सोच रहा है सोचने दो, हमें अपनी थिंकिंग को हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है ना, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग। फिर वही चीज है कि हम अगर दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज हो गए तो फिर हमारे में अंदर भी और उनमें अंतर क्या रह गया, है ना। बस जब सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को क्या देती है, बेरोजगारी भत्ता। देखो हम जितना कुछ बोले हैं सब कुछ यहां मिल रहा है। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के काम को वरीयता दी जाएगी जिसमें भविष्य में भूमि में उत्पादन बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक, ये सब है। आपके विचार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम काम का अधिकार क्यों कहा गया? क्योंकि एक्ट बना हुआ है तो काम का अधिकार है। कल्पना कीजिए, आप गांव के प्रधान हैं, आप ग्राम के प्रधान हैं, क्या बात है। उस हैसियत से कुछ ऐसे क्रियाकलापों का सुझाव दीजिए जिससे आप मानते हैं कि उससे लोगों की आय में वृद्धि होगी और उसे इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। तो आपको अपने आप को प्रधान की तरह ज्यूम करिए और इस योजना से कैसे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है या क्या किया जाता है सोचिए। यदि किसानों को सिंचाई से और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी भाई? प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। ठीक भाई, हमारे पास मान लो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उसी फसल को बेचने के बाद भी हम कोई एक दुकान या कोई बिजनेस तो डाल सकते हैं ना।